कौन सा क्वेश्चन करना था मुझे? कर लूंगा मैं उसको। 24 क्वेश्चन नंबर 24 वो हो गया। 25 जी, क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की कीमत हमने फाइंड करनी है। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो हमें दी गई है इसमें, वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2k-1 का होल स्क्वायर, 2k-1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और इंटू आ जाएगा हमारे पास 4k-1 इंटू एक्स, और प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज लिखा हुआ है हमारे पास 5/2। इस 5/2 का मतलब होता है कि हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम है वो किसके इक्वल आता है? 5/2 के। सो हम इसमें पहले डाटा ऐड करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहे हैं, के की कीमत फाइंड आउट करें। नंबर टू, ए इज इक्वल टू 2k-1 एंड बी इज इक्वल टू 4k-1 एंड सी इज इक्वल टू k+3 एंड सम इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, तो सम किसके इक्वल होगा? 5/2 के, ठीक हो गया। और सम की वैल्यू वी नो दैट -b/a, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर -b/a इज इक्वल टू 5/2। इसमें हम a और b दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, तो -b किसके इक्वल है? 2k-1, और a किसके इक्वल है? 2k-1 इज इक्वल टू 5/2। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसकी। पहले तो हम उस वैल्यू को लिखते हैं क्या, कि यहाँ पे -k/4k-1/2k-1=5/2। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, क्या आता है -2 × 4k-1 = 5 × 2k-1। आप लोग आगे से रिस्पॉन्स दिया करें। अब ये सॉल्व करके बताओ क्या आता है इसका, -8 + 2 = 5 × 10k - 10k+10k है। तो कौन सी वैल्यू किसके पास जाएगी? -8 ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू बड़ी के पास जाएगी, और ये 5 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और ये -5 इधर आके +5 हो गया, और ये 10k और -8k उधर जाके +8k हो गया। ये कितने हो गए? 7, और ये कितने हो गए? 18k। इसका मतलब यही है कि 18k इज इक्वल टू 7, तो k किसके इक्वल आ गया? 7/18। तो ये हमारी k की वैल्यू हो गई। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के मुताबिक उसने आगे एक नया टॉपिक आ गया, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने डिस्कस किए थे फार्मूले, सम हमारा -b/a, अदरवाइज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? c/a या अल्फा इनटू बीटा। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 26 करने से पहले उसने स्टेटमेंट लिखी है कि दिए गए जितने भी क्वेश्चन है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट of the roots of following equations। ये जितने भी दिए गए आगे क्वेश्चन आएंगे इन सब का हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 26, 7x² - 5x + 4 = 0। तो हमें पता है कि सम और प्रोडक्ट की जो वैल्यूज होती हैं वो इक्वल होती है कि सम इज इक्वल टू होता है -b/a एंड प्रोडक्ट इक्वल टू c/a। इन दोनों वैल्यूज, इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए अपने वैल्यूज पुट करनी है। a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 4। तो सम किसके इक्वल होगा? -b/a। अभी तो बात किया हमने, तो -b किसके इक्वल है? -5/a किसके इक्वल है? 7 के। तो क्या हो जाएगा? -, तो 5/7 सम की वैल्यू। प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? c/a। c किसके इक्वल है? 4/7। तो ये हमारे सम और प्रोडक्ट के आंसर्स हैं, ठीक हो गया। आगे हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को जरा तवज्जो से देखें, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास b की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो क्या इसको लिखा जा सकता है, a स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर x मौजूद ना हो तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें तब ये 0 ही हो जाता है, तो ये ना होने के बराबर है। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 9। तो फिर हमने क्या करना है, इन वैल्यूज के लिए सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम इज इक्वल टू माइनस b डिवाइड बाय a एंड प्रोडक्ट इक्वल टू c डिवाइड बाय a। इनमें हम इनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या आती है, माइनस 0 डिवाइड बाय 1, तो 0 के इक्वल हो गया, और c किसके इक्वल है, माइनस 9 डिवाइड बाय 1, तो माइनस 9 आ जाएगा। तो हमारा सम है 0 एंड प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा माइनस 9। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर हमारा क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में भी आपने क्या फाइंड आउट करना है, सम एंड प्रोडक्ट। सो a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 1। तो क्या फार्मूला सम का, माइनस b ओवर a एंड प्रोडक्ट c ओवर a, ठीक हो गया। अब b की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 6, माइनस 6 डिवाइड बाय 9, तो फिर 3 3 का 9, 3 2 का 6, तो माइनस 2 डिवाइड बाय 3 हमारा सम की वैल्यू है। अब प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 1 ओवर 9। तो सम और प्रोडक्ट के आंसर हमारे फाइंड आउट हो गए। क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है, फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ k, फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k, k की कीमत मालूम करें, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो हमारी सम की इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इक्वल टू 0। इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन का जो सम है मे बी इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जी ये हमारा क्वेश्चन है। इसको बना जरा गौर से समझ ले, पहले वो कहते हैं फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के, के की कीमत क्या होगी, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सम है मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सॉल्यूशन में k की कीमत क्या होगी, नंबर टू इसका जो सम है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम है वो इक्वल है आपका प्रोडक्ट के, तो हमें पता है वी नो दैट द सम इज इक्वल टू माइनस b डिवाइड बाय a एंड c इज प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, c डिवाइड बाय a। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की कीमत मालूम करनी है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 5। तो a b c की वैल्यूज मालूम है हमें, हमने क्या फाइंड आउट करना है, k मालूम करना है। तो इसका जो सम है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हमें सम को प्रोडक्ट के इक्वल करते हुए सम का फार्मूला माइनस b डिवाइड बाय a एंड प्रोडक्ट का c डिवाइड बाय a। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, तो माइनस b माइनस k डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 3। तो माइनस k इज इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, मतलब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से कैंसिल। तो माइनस k इज इक्वल टू 5, सो k इज इक्वल टू माइनस 5, तो ये हमारा k का आंसर होगा।